पाकिस्तान का दिवालियापन दिखाकर भारत का दिवाला निकाल लिया गया। रुक्मणी कुमारी एक ट्वीट में लिखती हैं कि एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश 8.13%, नेपाल 7.9%, भूटान 7.4%, चीन 6.9%, म्यांमार 6.8%, फिलीपींस 6.7%, मलेशिया 5.9%, तो वहीं पाकिस्तान 5.4%, इंडोनेशिया 5.1% और भारत 5%। भारत के जीडीपी विकास को पाकिस्तान से नीचे लाने के लिए नरेंद्र मोदी 72 साल में भारत के पहले पीएम हैं। तो वहीं एक ट्विटर यूजर एक फोटो शेयर करते हुए लिखता है कि देश में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो बीजेपी से ज्यादा गिर चुकी है। मोदी सरकार चारों तरफ से बुरी तरह घिर चुकी है। आर्थिक मोर्चे पर थू थू हो रही है। गोदी मीडिया के सामंतवादी पत्तलकार की डिफेंड कर पा रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, देश आर्थिक मंदी से उबर सकता है यदि मोदी जी ये सलाह मान लें तो। पहला, हिंदू मुस्लिम बंद करें। दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करना बंद करें। तीसरा, भाजपा आईटी सेल बंद करें। चौथा, विपक्ष को सम्मान देना सीखें। और पांचवा, गोदी मीडिया को बंद कर दें। लेकिन मोदी जी इसे नहीं मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।